दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। जिसके कारण से किसान अपना उत्पादन और जो समस्याएं सारा देश त्रस्त है ना, उन सारी समस्याओं से निजात पा सकता था। विद्युत के अभाव में वो नहीं कर पाए तो उसको वापस कुछ जो छूट पहले दी हुई थी वो छूट भी ले ली और कुछ और हमारी आवश्यकता है। अभी बिजली कम आ रही है तो हम ये चाहते हैं कि भाई बिजली कम उत्पादन कम हो रहा है कोई बात नहीं, तो 7 घंटे दिन में और 7 घंटे रात नाइट में मिल जाए हमको, ताकि हम पूरा उपयोग सदुपयोग कर सके उसका। प्लस अगर ये नहीं कर पाए तो हम लोगों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस तरह का आंदोलन रहेगा? आंदोलन रहेगा, यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे पूरी 300 लोग के अंदर। पूरे इस अजमेर जिले के 335 ग्राम पंचायतें हैं, उन सब के अंदर हमारी समितियां गठित करके हमने तैयारी कर ली है और फिर उसके हिसाब से हम आंदोलन करेंगे तहसील के हिसाब से। और आज हमने स्वागत कोविड के अंदर सब लोगों ने बहुत बढ़िया भूमिका निभाई, पुलिस प्रशासन ने और कलेक्टर साहब का इनका हमने स्वागत किया। इसके कन्हैया लाल गुर्जर हमारी उसके अंदर यह नवंबर 2019 से वो पेनल्टी जोड़ दी है बिलों में, तो उस पेनल्टी को ख़त्म किया जावे। और इसी तरह पूर्व सरकार में 833 रुपये पर मंथ जो काश्तकार को बिलों में अनुदान दिया जा रहा था उसको भी अक्टूबर 2019 से बंद कर दिया है, तो उसको वापस हमारे बिलों के अंदर वो भुगतान करवाया जावे। घरेलू जो खेतों में जो काश्तकार रह रहे हैं उनको 24 घंटे बिजली दी जावे, और जो कृषि की भी बिजली है वो 7 घंटे दिन में और 7 घंटे रात में दी जावे, क्योंकि अभी जैसे बारिश अच्छी हुई है, पानी था, अब पानी था तो उसकी पिलाई कैसे करें? अगर पिलाई करने की हमें सुविधा देते तो पैदावार और ज़्यादा होती। और ये 2012 से जो लंबित है विद्युत कनेक्शन, कृषि विद्युत कनेक्शन, उनको शीघ्र दिया जावे। इसको ज्ञापन दिया ये अब कमिश्नर साहब को कितने सूत्र मांग पर ज्ञापन है ये हमारे ये सब नाम बताओ। मांगे नहीं मानी जाती तो क्या रुक रहेगा आप लोगों को? हम आंदोलन करेंगे साहब। नाम बताओ। राजेश शर्मा, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ।